सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान अपनी डेब्यू फिल्म केदारनाथ की शूटिंग कर रही हैं। पहले फिल्म की शूटिंग पूरे होने से पहले ही उन्हें दूसरे फिल्म भी मिल गई। सारा अली खान को रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्हा के लिए फाइनल किया गया, जहां वो एक्ट करेंगी अपोजिट रणवीर सिंह। इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस करेंगे। रोहित शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर यह खबर दी थी कि सिम्हा के लिए उन्होंने सैफ अली खान की बेटी सारा को कास्ट किया है, जबकि सारा से पहले इस फिल्म के लिए जाह्नवी कपूर को अप्रोच किया गया था, लेकिन सारा ने जाह्नवी के हाथों से इतनी बड़ी बजट फिल्म छीन ली। एक लीडिंग न्यूज़पेपर के मुताबिक जाह्नवी और सारा दोनों को ही सिम्बा की कहानी सुनाई गई थी। जाह्नवी ने यह खबर लीक कर दी कि उन्हें सिम्बा के लिए अप्रोच किया गया था। उस समय तक निर्माताओं ने हीरोइन फाइनल नहीं की थी। इसके बाद जाह्नवी की जगह सारा को ले लिया गया। रोहित शेट्टी ने सारा के बारे में बात करते हुए कहा, जब मैं उनसे पहली बार मिला तब मुझे ये इस बात का एहसास हुआ कि उनमें एक मसाला एंटरटेनमेंट मूवी में काम करने के सारे गुण हैं। सारा ने मुझसे कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। जब मैंने सारा के नाम पर विचार किया तो मुझे लगा कि सिम्बा के लिए वो एकदम परफेक्ट एक्ट्रेस है। वो ही सिम्बा में रणवीर सिंह की मैडनेस के लेवल को मैच कर सकती है। आपको बता दें कि सिम्बा जूनियर NTR की सुपरहिट साउथ फिल्म टैंपर का हिंदी रीमेक हो। हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब। सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान अपनी डेब्यू फिल्म केदारनाथ की शूटिंग कर रही हैं। पहले फिल्म की शूटिंग पूरे होने से पहले ही उन्हें दूसरे फिल्म भी मिल गई। सारा अली खान को रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्हा के लिए फाइनल किया गया, जहां वो एक्ट करेंगी अपोजिट रणवीर सिंह। इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस करेंगे। रोहित शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर यह खबर दी थी कि सिम्हा के लिए उन्होंने सैफ अली खान की बेटी सारा को कास्ट किया है, जबकि सारा से पहले इस फिल्म के लिए जाह्नवी कपूर को अप्रोच किया गया था, लेकिन सारा ने जाह्नवी के हाथों से इतनी बड़ी बजट फिल्म छीन ली। एक लीडिंग न्यूज़पेपर के मुताबिक जाह्नवी और सारा दोनों को ही सिम्बा की कहानी सुनाई गई थी। जाह्नवी ने यह खबर लीक कर दी कि उन्हें सिम्बा के लिए अप्रोच किया गया था। उस समय तक निर्माताओं ने हीरोइन फाइनल नहीं की थी। इसके बाद जाह्नवी की जगह सारा को ले लिया गया। रोहित शेट्टी ने सारा के बारे में बात करते हुए कहा, जब मैं उनसे पहली बार मिला तब मुझे ये इस बात का एहसास हुआ कि उनमें एक मसाला एंटरटेनमेंट मूवी में काम करने के सारे गुण हैं। सारा ने मुझसे कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। जब मैंने सारा के नाम पर विचार किया तो मुझे लगा कि सिम्बा के लिए वो एकदम परफेक्ट एक्ट्रेस है। वो ही सिम्बा में रणवीर सिंह की मैडनेस के लेवल को मैच कर सकती है। आपको बता दें कि सिम्बा जूनियर NTR की सुपरहिट साउथ फिल्म टैंपर का हिंदी रीमेक हो। हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब।